अगे यम नहर गुरबाणी का दिन उस दिन सुनत यही है वह सारे लोग नहा तो किस वक्त निकल जाके ईद की नमाज पढ़न, ईद की नमाज तो फारग हो के अपनी आगे कुरबानियाँ कर, उन्होंने कुरबानियों चु जिन्होंने रब ने तौफीक दी गोश्त खाण बजाए दे होर खाने पकवान दरदे पुलाव तो पहला ही चटना शुरू कर देन, ये समझो कुरबानी की तौहीन है। हराम कोई नहीं, नाजायज़ नहीं। अगर कोई बीमार है चाह पीण दी है, कोई बुढ़ा पानी पीना चाहता है, दूसरे ने भी कोई है ऐसी चल तो हराम कोई नहीं। कई नेक लोग खा के जाते, कई कह रहे रोज़ा रोज़ा नहीं कहना चाहिए, ये झूठ है। रोज़ा देना देना शैतान नहीं रख सकता, दो ईदा मुसलमान रोज़ा कहदा रखना। यह है बेहतर है अगर कोई हौसला कर सके तो वापस आके अपनी कुरबानी चो खा ले। नबी अलैहिस्सलाम फिर उसकी कीड़े जी पकवा लेंदी सी जल्दी ना पक जाती, तो अपनी कुरबानी तो खाना एहतराम है कुरबानी का। कहला अज के दिन साड़ी नज़रां किसी शायद की कदर नहीं जेड़े तेरे नाँ की कुरबानी है। गोश्त अगे असी थोड़ा चटते हैं रोज, मगर वह सिर मुबाह वह सानू छुट्टी मिली है, वह सवाब कख नहीं। ये अज सवाब है, अज ये मुतबर्रक खाना है, ये तबर्रुक है। इस तो अज के दिन असी इस तो सिवा किसी शायद मूँह नहीं लाना। शाबश जरा करे बहुत आला बहुत आला। तो पहला ईद की नमाज पढ़ो और ईद की नमाज न पढ़ जाने सुनत रस्ते जाने यो तकबीर कहते जाओ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उस मैदान से ही कहो नमाज ईद तो बाद भी सलाम फिरे कहो। ये तकबीर इन्होंने दिनों का खास जिक्र है, सब तो बड़ा अमल है।